हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। आज हम ऑडिटिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो करने जा रहे हैं। हम जो हैं वो लिमिटेड कंपनी की ऑडिटिंग है, जो उसके रिगार्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो कर रहे थे। तो हमने उस दिन जो है वो हमारे कवर किए थे कि अपॉइंटमेंट है जो उसके रिगार्डिंग क्या ऑडिटर के रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू जो हमारा न्यू एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 139 सेक्शन उस दिन हमने जो है वो डिस्कस किया था। आज हमारे पास है सेक्शन 140, दैट इज़ रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। कि रिमूव कैसे किया जा सकता है एक बंदे को जिसको आपने ऑडिटर बना लिया, आपको उसका कंडक्ट सही नहीं लगता या काम सही नहीं लगता तो आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो उसके रिमूवल का क्या प्रोसीजर है। अगर रेजिग्नेशन देता दे चाहता है ऑडिटर तो कैसे दे सकता है, और उसके लिए क्या स्पेशल नोटिस है जो देना पड़ेगा। तो फर्स्ट है बाय अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 जो आपने अपॉइंट किया था उसको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सपायरी ऑफ द टर्म बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय वे ऑफ प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद इन द 60 डेज जनरल मीटिंग में उस अप्रूवल के रिसीव होने के बाद। विद इन 60 डेज द ऑडिटर शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, उसको सुनना चाहिए कि वो अपने पक्ष में क्या कहना चाहता है। द एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू बी मेड विद इन 30 डे ऑफ पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन इन फॉर्म नंबर। जब रेजोल्यूशन पास कर दिया तो उसके विद इन 30 डे ADT 2 फॉर्म में भर के जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है, अलॉन्ग विद उसकी जो फीस बनती है। फॉर रिमूवल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एन ऑडिटर्स टर्म द स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब कि प्रीवियस गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जब अप्रूवल आ गई उसकी, उसके बाद विद इन 60 डेज आपको जनरल मीटिंग करके उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा ऑडिटर को हटाने का, और उससे ऑडिटर ये जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होने के बाद विद इन 30 डेज आपको ADT 2 फॉर्म में फिल करके इन्फॉर्मेशन है जो विद फीस सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी रेजोल्यूशन के पास हो गया। ये हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ अप्रूवल है जो उसको हटाया जा सकता है। कंप्लायंस बाय ऑडिटर आफ्टर रेजिग्नेशन, अगर ऑडिटर खुद रेजिग्नेशन देता है द ऑडिटर हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म विद फॉर्म नंबर ADT 3। जो ऑडिटर ने खुद ने रेजिग्नेशन दिया है तो जब उसने रिज़ाइन दिया उसके विद इन 30 डेज के अंडर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फॉर्म नंबर ADT 3 में अपनी इन्फॉर्मेशन भर के कंपनी को देनी है एंड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज इंडिकेटिंग द रीज़न कि क्यों वो छोड़ना चाहता है, रेजिग्नाइन करना चाहता है। पेनल्टी फॉर नॉन कम्प्लाइंस, अगर ऑडिटर इसको पूरा नहीं करता इस फॉर्मेलिटी को तो पेनल्टी है उसको 50,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। उसके बाद हमने स्पेशल नोटिस की बात की थी। स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड फॉर ए रेजोल्यूशन एट एनुअल जनरल मीटिंग वेर ए पर्सन अदर देन ए रिटायरिंग ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड। कोई भी पर्सन रिटायर नहीं हो रहा उसके अलावा उसको हटाना चाहते हो तो वो स्पेशल नोटिस है जो आपको वो जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये था सेक्शन 148 के रिमूवल और रेजिग्नेशन और स्पेशल नोटिस का क्या प्रोसीजर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपके पास सेक्शन है 141, जिसमें ऑडिटर की क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, इट मीन्स कौन बंदा ऑडिटर बन सकता है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या है, कौन कौन बंदा डिसक्वालिफाइड है टू बिकम अ ऑडिटर, कौन नहीं बन सकता। तो फर्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, इंडिविजुअल हु इज़ होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एज CA एज़ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट है वो इंडिविजुअल बंदा एज एन ऑडिटर काम कर सकता है। सेकेंड ऑडिट फर्म और LLP, ऑडिट फर्म या LLP है ऑडिटिंग की जो फर्म उसने पार्टनर कोई खोली हुई है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर उन्होंने क्रिएट की है, उस मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या हैं वो CA होनी चाहिए और प्रैक्टिस इन इंडिया होनी चाहिए। ओनली द पार्टनर्स जो CA होंगे बस वही ऑथराइज हैं कि ऑडिटर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। तो इसमें ये कह सकते हैं कि LLP में कुछ बंदे ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन CA हों पर उनके वो वैसे काम कर सकते हैं पर उनके पास पावर नहीं है एज ए ऑडिटर वर्क करने की और साइन करने की। तो ये था आपका ऑडिटर जो है वो कौन कौन बंदे एलिजिबल है उसके बनने के लिए।
इसके बाद आपके पास है डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर, कौन कौन बंदे डिसक्वालिफाइड हैं ऑडिटर बनने के लिए, ठीक है जी। तो उसमें जो पर्सनस हैं वो जो ओल्ड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखिए, अ बॉडी कॉरपोरेट अदर देन LLP, LLP के द्वारा अलावा जो भी बॉडी कॉरपोरेट है वो डिसक्वालिफाइड है। एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी है जो वो ऑडिटर का काम नहीं कर सकता। थर्ड, ए पर्सन हु इज़ ए पार्टनर और हु इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी का पार्टनर है या पर्सन, तो उस केस में डिसक्वालिफिकेशन जो कंपनीज एक्ट हैं उसमें कुछ लिमिट्स की गई हैं। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर है जो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। कौन सा, कि जो पर्सन वो और उसका कोई जो रिलेटिव है वो किसका काम कर रहा है, इज़ होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी, कंपनी में उसकी सब्सिडरी में उसकी होल्डिंग कंपनी में अगर उसका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो एज ए जो ऑडिटर है काम नहीं कर सकता। तो प्रोवाइडेड दैट जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसका है वो 1,000 रुपये से फेस वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड सम इज़ 1,00,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका इंटरेस्ट उस कंपनी में। इज़ इंडेप्टेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरीज होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी को उसने 5,00,000 रुपये से ज़्यादा का जो अमाउंट है वो देना ना हो, लेना ना हो। इफ़ ही हैज़ गिवन गारंटी, उसने कोई गारंटी दी है किसी पर्सन के प्रति कंपनी को और जो वो जो गारंटी है वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा की ना हो, तो वो बंदे बन सकते हैं, अदरवाइज वो सारे डिसक्वालिफाइड हैं। जिसकी 1,00,000 से ज़्यादा की जिसने गारंटी दी है, 5,00,000 से ज़्यादा उसने अमाउंट है जो देनी है, या फिर उसका कंपनी में कोई 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट अगर है तो वो सारे बंदे डिसक्वालिफाइड किए गए हैं। ये सेक्शन 2013 में ऐड किया गया है। न्यूली एडेड अंडर द कंपनीज एक्ट और कौन कौन सी हैं, पर्सन और ए फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप अगर उसका है उसकी इस कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, तो वो एज ए ऑडिटर काम नहीं कर सकते। तो डिसक्वालिफिकेशन को 144(1) की एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी वो नहीं हो सकता ऑडिटर। इफ़ डायरेक्टर इज़ रिलेटिव टू दैट पर्सन तो भी वो नहीं बन सकता, डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं हो सकता ऑडिटर। ए पर्सन हु इज़ ए पार्टनर और हु इज़ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कंपनी, तो कंपनी का जो कोई एम्प्लॉई है उसका अगर कोई पार्टनर है तो भी वो काम नहीं कर सकता ऑडिटर का। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड में उसको केस किया गया था और जो कोर्ट है उसको फ्रॉड को उसके कन्विक्ट करे और उसको सजा दिए, 10 साल ना गुजर गए हों, वो बंदा जो है वो ऑडिटर के तौर पे काम नहीं कर सकता। ए पर्सन हु इज़ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर अगर कहीं काम करता है, पार्टनर फल्ड हो रही अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर नहीं हो सकता। इफ़ सच ए पार्टनर इज़ होल्डिंग एंड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज सच डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो वो नहीं हो सकता। वैसे हो अगर वो कहीं और भी काम कर रहा है तो हो सकता है, लेकिन अगर मोर देन 20 कंपनीज में कर रहा है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि 20 कंपनीज लिमिट है, वो आगे आप पढ़ोगे कितने नंबर ऑफ कंपनीज की ऑडिटिंग जो एक ऑडिटर है कर सकता है। एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटीज इंगेज्ड एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग और स्पेशलाइज सर्विसेज एक्सेट्रा, अगर पहले से उसकी कंपनी जो है, पर्सन जो है वो पहले से कंसल्टेंसी या स्पेशलाइज सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंपनी को, तो फिर वो उसी कंपनी का आगे एक ऑडिटर है जो नहीं हो सकता। तो ये थी कौन कौन से बंदर हैं जो डिसक्वालिफाइड हैं। बिजनेस रिलेशनशिप क्या है, कि द बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स हमने बात की थी कि बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कि ट्रांजेक्शन्स कमर्शियल पेपर के लिए कोई जो है उनकी नहीं की गई हों, एक्सेप्ट कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन इन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अगर उसने की है। ए पर्सन हुज रिलेटिव इज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ए पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और एल्सवेयर और मोर देन 20 कंपनीज जो ऊपर हमने पढ़े थे, जबको कोर्ट ने 10 साल है जो, तो वो सारी है जो यहाँ पे इसने रिपीट की है। तो यहाँ पे अपने बिजनेस रिलेशनशिप का करना है कि उसका बिजनेस रिलेशनशिप है जो नहीं होना चाहिए। ये था आपका सेक्शन 141। इसके बाद आपको यहाँ पे दिए नंबर ऑफ ऑडिटर्स बाय इंडिविजुअल और पार्टनर्स लिमिटेड टू 20। पहले 1956 जो एक्ट था उसमें 30 कंपनीज तक लिमिट सी, तो एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर मोर देन 30 कंपनीज इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956।
फर्दर एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी अपॉइंट एज ऑडिटर फॉर मोर देन 20 पब्लिक कंपनीज एंड विच नॉट मोर देन 10 कंपनीज शुड हैव ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 25 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है जी, तो लेकिन ये वाली लिमिट थी, तो 30 की लिमिट थी उसके पास टोटल, लेकिन बट द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ ऑडिट्स कंडक्टेड बाई द इंडिविजुअल और पार्टनर टू 20 कंपनीज। ठीक है जी, 20 कंपनी की रिस्ट्रिक्शन उसके पास हो गई है। तो नेचर ऑफ साइज ऑफ द कंपनी इस पर कोई डिपेंड नहीं करता, ये 1 अप्रैल 2014 से एप्लीकेबल हो गया है सब जगह पे ऑडिटिंग में। तो ये था आपका सेक्शन 141। अब हम कर रहे हैं सेक्शन 142, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। अपॉइंटमेंट होगी, उसकी रिमूवल कैसे हो सकती है वो हो गया, कैसे उसको रिज़ाइन कर सकता है उसका हमने कवर कर लिया, उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डिसक्वालीफाइड कौन कौन से पर्सन है वो कर लिया। अब हम कर रहे हैं कि उसकी रेमुनरेशन कैसे डिसाइड होती है। तो रेमुनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर है जो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो वो डिसाइड करते हैं। रेमुनरेशन अदर जो भी ऑडिटर किया जाता है वो जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उन जनरल मीटिंग्स में डिसाइड किया जाता है रेमुनरेशन फर्स्ट ऑडिटर की, दैट इज़ बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अंडर द अर्लियर एक्ट द टर्म रेमुनरेशन शैल इंक्लूड एनी सम्स पेड बाय द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपेंसेस दैट इज कवर्ड अंडर रेमुनरेशन। जो भी खर्चा आप कोई भी तरह का जो भी कुछ पे करते हो ऑडिटर को, उन सबको रेमुनरेशन की डेफिनेशन में लिया जाता था एज पर एक्ट 1956। बट एज पर द न्यू एक्ट द ऑडिटर्स रेमुनरेशन शैल इंक्लूड इन एडिशन टू द फीस पेबल के साथ साथ टू एन ऑडिटर द एक्सपेंसिस, अगर उसने इस ऑडिटिंग के कनेक्शन में कुछ पे किए हैं तो वो सिर्फ हैं जो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। बट क्या नहीं इंक्लूड होगा, इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी रेमुनरेशन पेड टू हिम फॉर एनी अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी। कोई और काम भी कंपनी का वो कर देता है तो वो रेमुनरेशन के पार्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। पहले जो कुछ भी आप पे करते थे ऑडिटर को वो सब रेमुनरेशन में काउंट होता था। द बोर्ड इज़ फ्री टू डिसाइड द रेमुनरेशन फॉर द अदर सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर टू द कंपनी एक्सेप्ट द सर्विसेज रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 144। तो रेमुनरेशन वो डिसाइड कर सकता है लेकिन जो सर्विसेज उससे और ली गई हैं उसके लिए नहीं। तो सेक्शन 144 के अंडर जो जो दी हुई हैं उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ये सर्विसेज ऑडिटर के दायरे में नहीं आती और इनके लिए अगर आप कुछ पे करते हो दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ रेमुनरेशन। Services provided for auditors under Section 144 of Companies Act 2013 are accounting and bookkeeping की services अगर आप उससे लेते हो that is not part of the remuneration क्योंकि वो extra काम उससे करा रहे हो आप। internal audit अगर करा रहे हो क्योंकि उसने external audit करना है, internal audit उसकी duty नहीं है। design and implementation of any financial information system, actuarial services, investing advisory services, investment banking services, rendering of outsourced financial services वो कर रहा है, management services provide कर रहा है, तो ये सब इसमें count नहीं होंगे। एक बेटा वर्ड आता है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड है कि जब ये लागू हुआ तो उसके बीच में कितनी देर तक आपको ये अप्लाई कर लेना है। तो ट्रांजिशन पीरियड इसके लिए 1 ईयर है कि अगर पहले आप रेमुनरेशन दे रहे थे तो इसके एक साल के बीच बीच में इसको आपने सारा ख़त्म कर देना है सिस्टम को, उसके बाद आपने दोबारा उस और चीज़ों को रेमुनरेशन में काउंट नहीं करना। तो एक साल में आप सब जगह पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा जब ये इन एग्जिस्टेंस आया। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई बंदा पहले से ऑडिटर अपॉइंट हुआ था और सर्विसेज नॉन ऑडिट वाली भी प्रोवाइड कर रहा था तो जो 1 अप्रैल 2014 से ये सारे रूल लागू हुए हैं तो 31 मार्च 2015 तक उसको सब ये क्लोजअप करना पड़ेगा और उसके बाद जो है उसको रेमुनरेशन इन सर्विसेज के लिए प्रोवाइड नहीं की जा सकती। एक्स्ट्रा कुछ पे करना है कंपनी अलग से पे करेगी लेकिन वो रेमुनरेशन में काउंट नहीं होगा ऑडिटर की। ये थी ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड नहीं करता। 142 जो है वो है कि रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर कौन डिसाइड करता है, कैसे डिसाइड होती है, और सेक्शन 144 जो है वो है कि ऑडिटर कौन कौन सी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, उसके दायरे में कौन कौन सी सर्विसेज नहीं आती। इसके बाद है आपके पास बेटा सेक्शन 147 जिसमें आपकी दे रखी है कि पेनल्टीज़ कौन कौन सी पड़ती हैं अगर जो रूल्स रेगुलेशन ये वाले हैं उनको नहीं अप्लाई किया
जाता। तो कंपनी इन डिफ़ॉल्ट अगर है, अगर सेक्शन 109 से लेके 146 तक कोई भी नहीं मानती, तो 25,000 रुपये से लेके उसको 5,00,000 रुपये तक का फ़ाइन कंपनी को पे करना पड़ सकता है। और कोई ऑफिसर इसका डिफ़ॉल्ट करता है कि सेक्शंस को नहीं मानता, फॉलो करता, तो 10,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का फ़ाइन हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट जेल हो सकती है 1 साल तक की, जब फ़ाइन और जेल दोनों हो सकते हैं। ऑडिटर है अगर वो सेक्शन 139, 143, 144, 145 जो अलग अलग दे रखे हैं, अगर इनको नहीं मानता तो 25,000 रुपये से लेके 5,00,000 रुपये तक का फ़ाइन है जो पेनल्टी है उसको पे करनी पड़ सकती है ऑडिटर को। उसके बाद है पैनल प्रोविजंस प्रिस्क्राइब के 147 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या उसको फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। अगर वो 139, 145 और 155 की नहीं करता तो 25,000 से लेके 5,00,000 तक, जो अभी हमने पढ़ी है ऊपर वही वाली। अगर वो जो कंट्रोवर्शन उसने नहीं मानी, नोइंगली विलफुली उसने डिसीव किया है ताकि टैक्स बचाया जा सके या शेयर होल्डर को धोखा दिया जा सके, तो उसको जो है इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 1 साल तक की हो सकती है, फ़ाइन कम से कम 1,00,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 25,00,000 तक का फ़ाइन है जो उसको पड़ सकता है। If an auditor is convicted under any of these section, he shall be liable to refund remuneration, अगर उसने कोई receive की है वो भी उसको वापस करनी पड़ेगी और damages भी company को pay करने पड़ेंगे अगर इनमें से कोई भी उनका fault है जो माना जाता है कि इन acts को उसको तोड़ रहा है, इनको follow नहीं कर रहा rules को। पैनल प्रोविजंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 कुछ दे रखी हैं। फर्स्ट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिस्क्लोज फ्रॉड। अगर फ्रॉड हुआ है तो उसकी ड्यूटी है कि अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको जो है इन्फॉर्म करे गवर्नमेंट को। ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड बीइंग कमिटेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, तो उसको आपने क्या करना है, जो भी उन एम्प्लॉइज हैं जो वो कर रही हैं, being committed against the company, then he is required to report the matter immediately to central government. अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करता इन्फॉर्म, तो उस केस में उसको 1,00,000 रुपये से लेके 25,00,000 रुपये की पेनल्टी है जो पे करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इन केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय एन ऑडिटर वेयर एनी सच मैटर हैज़ बीन रेफर्ड टू नेशनल फाइनेंशियल रिव्यू अथॉरिटी, जो है उसको करना है। अगर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वो करता है और नेशनल फाइनेंशियल रिव्यू कमेटी बिठा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ NFRA बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो इन्वेस्टिगेशन करेगी मैटर को और अगर मेंबर जो है वो गिल्टी पाया जाता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड अंडर एक्ट के अंडर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी। किस चीज़ की पेनल्टी? इन केस ऑफ इंडिविजुअल पर्सन है जो वो नहीं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, अपने प्रोफेशनल रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, तो कम से कम 1,00,000 रुपए और मैक्सिमम 5,00,000 तक जो है पड़ सकती है पेनल्टी। अगर ऑडिट फर्म है कोई तो 10,00,000 रुपए मिनिमम और जो है और बाकी जो है, बट विच मे बी एक्सटेंडेड टू 10 times ऑफ द, ऊपर वाली 5 गुना थी तो 5,00,000 रुपया होगी 1,00,000 रुपए की जितनी उसने फीस रिसीव की है उसकी, सॉरी 5 times है मिनिमम 1,00,000 इंडिविजुअल के लिए और मैक्सिमम जो है 5 times ऑफ द जितनी उसने ऑडिटिंग फीस रिसीव की है। और इन केस ऑफ ऑडिट फर्म जो है, अगर उसकी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है उस केस में, नॉट लेस देन 10,00,000 रुपीज और 10 times ऑफ द जिसने उसने ऑडिटिंग फीस है जो रिसीव की है, ठीक है। और डिबार्डिंग इंडिविजुअल ऑडिटर, ऑडिटर फ्रॉम प्रैक्टिस नहीं कर सकता, कितनी देर के लिए, 6 months से लेके 10 साल तक की उस पर ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है NFR के द्वारा कि वो प्रैक्टिस है जो नहीं कर सकता। ये थी पेनल्टी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसके बाद है पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय ऑडिटर। ऊपर हो गया उसने रिपोर्ट नहीं किया पहला केस, दूसरा उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, तीसरा कर रही है पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय द ऑडिटर ने किया है, चेंज ऑफ ऑडिटर बाय NCLT। इन केस ऑफ एनी एप्लीकेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन कंसर्न टू NCLT रिगार्डिंग फ्रॉड बाय ऑडिटर्स, NCLT है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, तो उसमें इज सेटिस्फाइड दैट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी हैज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉड है जो उसने कमिट किया है, तो वो ऑडिटर को चेंज कर सकती है। एंड इंडिविजुअल ऑडिटर और ए फर्म अगेंस्ट हुम फाइनल ऑर्डर हैज़ बीन पास बाई द NCLT शैल बी इन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, तो 5 सालों तक उसको बैन किया जा सकता है कि वो प्रैक्टिस है जो नहीं कर सकता और ऑडिटर के तौर पे काम नहीं कर सकता। डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड डिसक्वालिफाइड टू बिकम ऑडिटर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years के लिए उसको
डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एक्शन अंडर सेक्शन 447, एनी ऑडिटर हु इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 6 months विच मे बी एक्सटेंडेड टू द विच मे बी एक्सटेंडेड टू 1 year अलॉन्ग विद द नॉट लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, वो भी उसको पे करनी पड़ेगी और एक्सटेंड टू 3 गुना है जो फ्रॉड का वो अमाउंट भी उसको पे करने को कहा जा सकता है। तो इट डिपेंड अपॉन द, इसके बाद आपके पास है पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इफ एनी रिटर्न रिपोर्ट सर्टिफिकेट और प्रॉस्पेक्टस और फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एन ऑडिटर मेक्स ए स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट उसने झूठी दी है किस केस में, विच इज़ फॉल्स एंड मटीरियल इन्फॉर्मेशन, नोइंगली फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरा, विच ओमिट्स एनी मटीरियल फैक्ट, भूल जाता है, नोइंगली मटीरियल फैक्ट है जो बताना भूल जाता है, तो उस केस में उसको पनिशमेंट है जो मिल सकती है। तो पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, अगर वो पर्सन, इफ़ एनी पर्सन इंटेंशनली गिव्स फॉल्स एविडेंस, ऑडिटर जो है अपॉन एनी एग्जामिनेशन ऑन ओथ, ठीक है, झूठी कसम खा के, इन एनी एफिडेविट और affirmation or about any matters arising under the act, he will be punishment imprisonment minimum 3 years की and maximum 7 years की imprisonment मिल सकती है और penalty जो है वो extended to 10 lakh rupees तक हो सकती है। liability of audit firm in case of fraud, अगर liability audit firm की है तो in case of audit of the company be conducted by the audit firm, it is proved that partner or partners of the audit firm has or have acted in fraudulent manner में उन्होंने किया है, ठीक है, the in the relation to company or its director or officers of such act, the partners of the audit firm and audit firm shall be liable jointly and severally, कल्ला पार्टनर भी है रिस्पॉन्सिबल है और पूरी फर्म जो है उसकी वो भी जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है। क्लास एक्शन सूट, इफ एनी एक्शन और सूट फाइल्ड बाई 100 or more मेंबर्स और डिपॉजिट होल्डर्स ऑफ द कंपनी और 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर क्लेमिंग डैमेजेस और कंपनसेशन अगेन द ऑडिटर, अगर टोटल 100% मेंबर्स जो हैं वो क्लेम करते हैं ऑडिटर के अगेंस्ट, या 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स हैं जो वो क्लेम करते हैं डैमेजेस कंपनसेशन के लिए फ्रॉम फ्रॉडलेंट एक्टिविटी के लिए अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए, सच ऑडिटर और द ऑडिट फर्म एज वेल एज ईच ऑफ इट्स पार्टनर शैल बी हेल्ड लाइबल जॉइंटली एंड सेवरली, तो वो लाइबल होंगे उसके लिए। तो ये थी बेटा कौन कौन सी पेनल्टीज़ हैं जो वो पे करनी पड़ती हैं अगर एक ऑडिटर जो है इन रूल्स को नहीं मानता, फ्रॉडलैंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, फॉल्स स्टेटमेंट्स देता है, तो ये सारी पेनल्टीज़ हैं जो उसको बियर करनी पड़ सकती हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारी वीडियो, उसमें हम राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।